एक दौर था जब होली का त्यौहार आम लोगों के साथ सियासत के सुपरस्टार और सेलिब्रिटीज के लिए बेहद खास हुआ करता था। रंगों से गुलजार दिन होली मिलन में गुजरता था। राजनीति के नामी चेहरों की होली खबरों की सुर्खियां बनती थी, लेकिन इस बार ऐसा लगता है कि चुनाव के मौसम में होली अकेली पड़ गई। होली पर कोरोना की काली नजर कुछ इस तरह पड़ी कि रंग सियाह से हो गए। पिछले साल की तरह ही इस बार भी होली के मौके पर कोरोना रंग में भंग का काम कर रहा है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत देहरादून में होली मिलन कार्यक्रम में शामिल हुए, लेकिन कार्यक्रम के अगले ही दिन वो और उनके परिवार के 4 लोग भी कोरोना पॉजिटिव हो गए। ऐसे में होली को लेकर संक्रमण फैलने का डर और कारण सबके सामने है। होली के मौके पर देश के तमाम राज्यों में कोरोना का कहर लौट आया है। कहीं पर नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है, कहीं लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है। रोज जो नए नए कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं वो पुराने रिकॉर्ड तोड़ते जा रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि कोरोना के खौफ के बीच, कोरोना के डर के माहौल के बीच आखिर होली कैसे खेली जा सकेगी, क्योंकि संक्रमण का डर है। और सबसे बड़ी बात यह है कि महाराष्ट्र से जो कोरोना के नए मामलों में तेजी से उछाल आया, वही नए मामले अब देश के दूसरे हिस्सों में बड़ी तेजी से फैलते जा रहे हैं। होली के जश्न में खलल अब महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटक, गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश से गुजरता हुआ दिल्ली और यूपी तक महसूस किया जा रहा है। केवल 5 राज्यों में ही कोरोना के 80% से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से राज्य सरकारों को यह संदेश दिया गया है कि वो बढ़ते कोरोना के मामलों की वजह से त्योहारों पर सख्ती बरतें और होली, शब बारात और ईस्टर को देखते हुए ऐसे कदम उठाएं ताकि किसी भी तरह की भीड़ ना जुटे। दिल्ली में बड़ी तेजी से 1000 से ज्यादा नए मामलों ने सरकार की नींद उड़ा कर रख दी, जिस वजह से दिल्ली में अब सार्वजनिक स्थानों पर होली के जश्न मनाने पर रोक लगा दी गई। महाराष्ट्र में कोरोना के कारण मुंबई और नागपुर में सबसे ज्यादा गंभीर हालात हैं। नागपुर, बीड और नांदेड़ में लॉकडाउन लगा दिया गया है। मुंबई में बीएमसी ने सार्वजनिक या निजी स्थान पर होली खेलने पर रोक लगा दी है। मध्य प्रदेश में 7 शहरों में रविवार को लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। मध्य प्रदेश सरकार ने सार्वजनिक रूप से होली मनाने पर रोक लगा दी है। शिवराज सरकार ने मेरी होली मेरा घर का नारा दिया है। उत्तर प्रदेश में भी योगी सरकार ने सार्वजनिक रूप से होली मनाने पर रोक लगा दी है। किसी भी तरह के जुलूस या सार्वजनिक कार्यक्रम पर बिना अनुमति प्रतिबंध लगाया है। राजस्थान में कोरोना के मामलों ने बड़ी तेजी से रफ्तार पकड़ी। नए मामलों की वजह से राजस्थान सरकार ने भी सार्वजनिक रूप से होली मनाने पर रोक लगा दी है। होली इस बार आप घर से बाहर खेलने की सोच रहे हैं तो राजस्थान में तो कम से कम नहीं खेल पाएंगे। राजस्थान में न पार्क में, न सड़क पर, न किसी धार्मिक स्थल पर होली नहीं खेल पाएंगे। पिछले साल की तरह इस साल भी रंग सूखे हैं तो बाजार फीके हैं। जिसके आने को महसूस नहीं किया जा पा रहा है तो वो होली है, और जो जाके फिर लौट आया है तो वो कोरोना है। इस बार भी होली की खुशी, होली का रंग, होली का उल्लास कैलेंडर की तारीखों में ही महज देखा जा सकता है। कोरोना रिटर्न्स की वजह से बाजार से होली की रौनक गायब है। गुलाल, पिचकारी और रंग का कारोबार करने वाले दुकानदार मायूस हैं, क्योंकि बाजार में वैसे खरीदार नहीं दिख रहे। कस्टमर बिल्कुल नहीं है, सारी मार्केट खाली। 30-40% कम, मतलब समझो सेल है अभी। काफी मतलब फर्क पड़ गया इस बार। लोग कोई भी मतलब लेने के लिए मतलब नहीं कर रहे। वो कोरोना के हिसाब से सब बंद हो रहा है, कभी धंधे पे उसकी असर पड़ेगी। छोटे वो व्यापारी क्या करेंगे, कोई माल ले लिया है तो अभी बेचने का कहाँ से। इस बार होली के बाजार कोई हो ही नहीं, कोई कुछ खरीदे ही नहीं, ना फिस्कारी, ना रंग कलर। होली एंजॉय कैसा होगा। एक तरफ त्योहारों को लेकर तमाम राज्य की सरकारें कोरोना गाइडलाइंस जारी कर रही हैं, तो वहीं देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव है। यहाँ चुनावी रैलियों में लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है। भले ही देश के बाकी हिस्सों में कोरोना की वजह से होली का रंग फीका दिख रहा है, लेकिन यहाँ चुनाव का रंग चोखा बना हुआ है।
लेकिन मथुरा के बरसाना की ये तस्वीर होली के एहसास को जिंदा और ताज़ा बनाए रखने के लिए काफ़ी है। बरसाना में लड्डू मार होली खेली गई। उमड़ी भीड़ को देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अगर सरकार कोरोना को लेकर सख्ती ना करे तो फिर हालात क्या हो सकते हैं।